कर सकते हो, अपने फेवरेट टीम को चीयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने फ्लाइट पाथ बहुत ही जल्द हमारे स्क्रीन पे आएगा। यस, इट्स गोइंग फ्रॉम लिपोपा टू मिलिट्री बेस, तो नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट काफी कट ऑफ हो जाता है। एंड टीम्स का रोटेशन के लिए भी मुश्किल होने वाला, क्योंकि यहाँ पर मेनली स्पेशली सिनर्जी जो लिपॉप का जाते हैं उन लोगों के लिए इजी है। सेस जैसे मिलता जाते हैं, फिर नोवर टीम हमारे मेगा स्टार्स, फिर आईएनडी जाते हैं मिलिट्री बेस, ये सारे टीम्स के लिए इजी होने वाला है। फिर फार्म के लिए पावर हाउस एंड पोचिंग की साउदर्न पोर्शन पे फनेटिक का स्पीड ड्रॉप, ये सारे टीम्स के लिए तो बहुत इजी है। लेकिन जो भी जाते हैं लाइक मार्कोस केमिंग रॉजो के साइड जाते हैं, एट बीट जाते हैं नॉर्थ जोजो सिटी जिनका सबसे ज्यादा दूर होने वाला है, लेकिन तमिलियस भी जाते हैं नॉर्थ जोजो सिटी। सोल का दो रोटेशन है, एक होता है मिलता एंड मिलता पावर के बीच पे छोटे छोटे घर लूटने वाला, आई थिंक वो रोटेशन यहाँ पर सोल को देखने को मिल सकता है, नहीं तो गट का जो उन लोगों का रोटेशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे यू नो वीएलटी कैसे एनटीटी से फाइट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीएलटी हमें हर टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिलती, तो उनका फाइटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहता है, वो एनटीटी को कैसे सरप्राइज करता है। बट मीनवाइल यहाँ पे ब्रॉल के बॉट को नॉक किया ओआर के प्लेयर ने, तो पीछे से वीरू दलजीत और मवी आते हुए एंटो को कंफर्म किया, मवी नहीं सॉरी प्रधान आते हुए, एंड यहाँ पे प्रधान भी शायद नॉक हो सकते हैं। यूएमपी उनके पास 4B थी गाइस, वहाँ पे वीरू ने बहुत ही प्यारे M16 के टैप से ब्रॉल के बॉट को पिक ऑफ किया। लेट्स सी ये फाइट कैसे अनफोल्ड होती है। ये फाइट के लिए ओआर का पीछे से वीरू का बहुत ही प्यारा कवर फायर, एक और M16 से नॉक किया ऊपर टेबल, बट यहाँ पर शोमिल जो है वो अपनी टीम को यहाँ पर रिवाइव देंगे और प्रसन्ना भी यहाँ पर होल्ड कर बैठे हैं, वो यहाँ पर अपने टीम के लिए मेन यहाँ पर होल्ड करेंगे, क्योंकि ये पोजीशन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वीरू पीछे जो डैमेज दे रहे थे वीरू वाले भी होते हैं, वीरू वहाँ पर बच जाएगा। बट यहाँ पर ओआर के दलजीत भी आएंगे अभी क्लोजिंग करेंगे प्रसन्ना के ऊपर, ये इसके लिए भी भारी करने वाला है। यहाँ पर डैमेज देते हैं वहाँ पर प्रधान एक और नॉक करते हुए, अभी दलजीत ने डैमेज दिया बट डैमेज फुल ऑन कनेक्ट नहीं हुआ, नॉक नहीं कर पाए, बट यहाँ पर ब्रॉलर्स के लिए खतरा बढ़ते जा रहा है। ओआर का भी ये पहली बार ड्रॉप देखा मैंने, तो लेट्स सी कि किस तरह से होता है। बट यहाँ पे मीनवाइल ब्रॉल के पास होल्ड कर, आई थिंक ओवर यहाँ पे ट्रबल पे आ चुके हैं, पर चलिए हम एक बार बाकी की तरफ देखते हैं किस तरह से ये चीज पूरा अनफोल्ड होता है। एंड हर एक टीम परफेक्टली स्टडी भी करते हैं, वो स्टडी करना भी जरूरी है, एंड वो स्टडी करके उन लोगों को पता चल चुका है कि कहाँ पर रहते हैं। पीछे चले जाएंगे टीम लेक्स्टम है सामने, वहां पर होल्ड करेंगे चलो बस। सेल्स का स्क्वाड ने अच्छा खासा पोजीशन होल्ड किया, लेफ्ट साइड से तो डैमेज नहीं देने वाला, आई थिंक दे आर गोइंग फॉर पुश। एंड जहां पे सेल्स की टीम शायद ये सेल की यहां से निकलना चाहेगी, दे उन लोग चाहेंगे कि उन लोग बार्नहाउस होल्ड करे। एक बार अगर आप फुल मैप को दिखाते हैं स्वार्क में, तो हम जोन पे थोड़ा सा नजर देते हैं। यस, रेवन टीटी एलिमेंट 7S अभी भी जोन के बाद, TSM निकल गए एंड अंदर आ गए, एंड यहाँ पे सेल्स के आतंकी पुश करे फनेटिक पे, एंड वहाँ पे एश फ्रेंकी और कैंपर ओपी। देखते हैं 4v3 के फाइट में फनेटिक कैसे बनते हैं। ये फ्रेंटिक फ्रेंकी जो है 1v1 सिचुएशन फंस चुका आतंकी के साथ, आतंकी यहाँ पर पुश करते हुए फ्रेंकी यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश, फ्रेंकी यहाँ पर नॉकआउट हो जाएगा सेल्स का आतंकी के द्वारा, एंड फनेटिक के लिए और ज्यादा ट्रैक यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि फनेटिक ऑलरेडी प्लेइंग 3v4, उसके ऊपर अगर एक बंदा आपका नॉकआउट हो जाता है तो अभी 4v2 का सिचुएशन हो जाएगा। एंड एश अपने टीममेट को बचाने के लिए फुल ऑन कोशिश किए जा रहे हैं, बट वो कोशिश कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा वो देखना पड़ेगा। स्काउट के पास स्कोप नहीं है, रेड डॉट है, पीछे से कवर फायर देने की कोशिश करते हैं कि एक भी पिक आता है वहां से वो नॉक पिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे अगर देखोगे तो टीम नंबर 22 भी आ चुका है, दैट इज वेलोसिटी गेमिंग, एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी भी देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट स्लैमिंग, एंड स्लैमिंग के टाइम पे स्काउट ने एक बहुत ही प्यारा नॉक पिक कर चुका है, उसका फिनिश आउट कर सकते हैं इस पोजीशन में। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, एंड आई थिंक यहाँ पे वो फिनिश करने ही जाएंगे। यस, एंड फिनिश कर दिया वेलोसिटी के करेक्ट क्रॉट को, एंड यहाँ पे 22 इमीडिएटली बैक ऑफ करेंगे सेल्स के। एमजे ने फ्रेंकी को वहाँ पे फिनिश ऑफ किया, एमजे ने वहाँ पे एश को भी कंफर्म किया, यहाँ पे स्काउट अकेले अपने टीम के लिए बचेंगे। वापस आ रहे थे मार्कोस गेमिंग के साथ फाइट हो रहा है TSM NTT का, चलेंगे उन लोगों के ऊपर भी ट्रेड पे नॉक हुआ है, मैचेस को यहाँ पर क्लियर आउट कर दिया जाएगा, शैडो को यहाँ पर गिरा दिया गया, सूर्या यहाँ पर रोटेशन देते हैं, सूर्या भी बहुत ज्यादा ही डैमेज का है, एंड यहाँ पर वो भी गिर सकता था जो बच गया वो TSM NTT के ऊपर। डोड यहाँ पर बिल्कुल सही कहा यहाँ पे, एंड व्हेन इट कम्स टू TSM तो फाइट लेना वो भी 4v4 इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर द ओपोनेंट टीम, एंड TSM वर्सेस NTZ वन ऑफ द टू बेस्ट असॉल्टिंग टीम्स इन इंडिया गोइंग अगेंस्ट ईच अदर इन अ 4v4, एंड TSM के प्लेयर्स 4 किल अपने खाते में लिखते हुए, एंड यहाँ पे आई गेस
जीगोट एक किल लिया, जॉनी ने दो किल लिया एंड एक किल और थैंक के तरफ से। बट स्टिल यस, यहाँ पे अगर हम देखें गॉटल जहाँ पे रोटेट करते हुए हैं, दो टीम्स के बीच में फंस सकते हैं, वन ऑफ देम कुड बी एंटिटी। एंड यहाँ पे स्मोकी भैया हमारे चाहेंगे टीएसएम पे पुश करना या होल्ड करना फॉर नाउ, बट इनको स्मोकी को एलएस की टीम पीछे से स्पॉट कर सकती है इस बार की। एंड स्मोकी ने वहां पे टीएसएम नियो को नॉक किया, बट प्रिटी श्योर वहां पे तीनों जन पुश कर देंगे वंस नियो कंफर्म कर देगा कि एक ही प्लेयर है नॉक होने के बाद, तो डेफिनेटली बाकी प्लेयर्स पुश करेंगे। मीनवाइल यहां पे स्मोकी आगे बढ़ते हुए जोनाथन की ओर, क्योंकि पीछे से एलएस ने वहां पे एक स्प्रे करना शुरू कर दिया है। एंड यहाँ पे स्मोकी जोनाथन काफी पेशेंटली वेट कर रहे हैं पेड़ के पीछे। एंड क्या स्मोकी यहाँ पे पिकअप कर पाएंगे जॉनी वहां पर? कैरी को भी देखोगे, कैरी भी थोड़ा बहुत आई थिंक पीछे से वहां पर एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, क्या नहीं कैरी के पास एक बंदा चला गया, जोनाथन ने एक नेट किया, स्मोकी उस नेट से डैमेज खाएंगे थोड़ा बहुत। स्मोकी ने बहुत सही डिसीजन लिया और डायरेक्ट पुश नहीं किया, रोटेट देके कवर में आ गए, क्योंकि उस पोजीशन से लेग स्टंप भी उसको बैक स्टेप कर रहा था। एंड पीछे अगर देखोगे पीछे सिनर्जी का स्क्वाड भी आ चुका है, जहां से वहां पर टीम गॉडलाइक खेलती है, वहां पर महम क्लोक ने खुद को नॉक किया, सामने वाले एक बंदे को भी नॉकआउट कर चुका, नॉट द कैरी नॉकआउट हो जाएंगे, घातक को नॉकआउट कर चुके थे बट नियो उसको क्लियर कर देंगे। वहां पर महम क्लोक को वहां पर क्लियर आउट कर देगा, घातक खुद को नेट से क्लियर आउट कर चुका, वहां सोल का भी एक जगह पर फाइट हो रहा है, चलेंगे टीम सोल के ऊपर भी, सोल भी यहां पर दो बंदे नॉक पर है, सोल के अमन विद अ टॉप है एंड यहां पर घातक नॉकआउट हो जाएंगे, मॉडल वाइपर इज द लास्ट वन सर्वे फाइट होते हैं, कोऑर्डिनेट आते हुए एक बंदे को नॉकआउट कर दिया, फास्ट जोन बहुत बंदा आ गया, एक और को नॉक, लास्ट बंदा बचा है, डीपी है हाथ में, डीपी का डैमेज हम सबको पता है 48 डैमेज है, बहुत ज्यादा ज्यादा है, फाइट पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रश कर देते, ज्यादा डैमेज दे लिया था वाइपर ने वो गेट एंटर करते हुए, और इट कुड हैव बीन अ ग्रेट फाइट बट वाइपर स्टैंडिंग अप फॉर हिज टीम, बहुत ही बेहतरीन नॉक्स निकाले अपने टीम के लिए। ऊपर सिनर्जी है, टीम नंबर 8 के साथ फाइट ले रहे थे, 18 नंबर स्क्वाड के साथ फाइट ले रहे थे, दैट वाज ओआर एंड ओआर के लिए खतरा हो जाती है, ओआर एक शैक में अंदर सर फंस चुका है, ऊपर सिनर्जी सिर भी ने एलएस के दो बंदे को नॉक किया एंड ऊपर सिनर्जी के लिए ऊपर से ऑस्टिन ने दो बंदे दो साइड पे फाइट ले रहे, दलजीत इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग, ऑस्टिन ने जीता एक के इस पर से दलजीत ने अपने एक नॉक पिक ऑफ नहीं कर पाया, वो भी खत्म हो जाएंगे ये, बट ओआर के पूरे स्क्वाड को कर दिया सिनर्जी ने क्लियर आउट, और वहां पर एलएस के लिए भी खतरा हो रहा है क्योंकि पीछे से अंदर जाएगा, अंदर जाने से पहले ही आई थिंक बाहर आ जाएंगे, एंड ये आई थिंक गलत पुश था अकेले पुश करना, बट किल्स दे कैन टेक लॉट्स ऑफ किल्स इस पोजीशन से। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे रेवेंटिटी शॉट लेने की कोशिश, पर टीएसएम के रिटेलिएटरी फायर में रेवेंटिटी के प्लेयर्स नॉक होते हुए रेवेंटिटी ने यहाँ पे जोन को प्रायोरिटाइज किया, पर लास्ट मोमेंट पे अगर आप उनका जो स्लो उन लोग होल्ड कर रहे, आई थिंक वो बहुत ही खराब स्लो था, उनके पास कोई कवर नहीं था, कंप्लीटली एक्सपोज थे। मेंटी अल्टीमेटली अपने टीम के लिए फिर से लड़ते हुए नियो को यहाँ पे उन्होंने नॉक किया, बट काफी ज्यादा डैमेज दे लिया। मीनवाइल जब तक हील होंगे नियो डेफिनेटली हील हो जाएगा, एंड वहाँ पे जी गॉड ऑलरेडी रोटेशन स्टार्ट करते हुए, एंड यहाँ पे एक बहुत ही ओपिनेट आई थिंक दैट वाज फ्रॉम जोनाथन मेंटी को पिकअप करने के लिए, एसजी वर्सेस सेल्स वर्सेस टीएसएम, बहुत ही बेहतरीन फाइट हमें देखने को मिल सकता है। एसजी के पास काफी अच्छा हाइट है, उनका बैक साइड क्लीन है, उनको सिर्फ अपने फ्रंट से आने वाले प्लेयर्स को पिकअप करना है। नॉकआउट हो चुका बड़े बट सेल्स के स्पॉट के भी बंदे नॉकआउट हो रहे हैं, टीम सिनर्जी यहां पर पुश करेंगे उन लोगों पर, 7 किल है सिनर्जी का, जो परफॉर्मेंस है कंटीन्यूअसली सेम लेवल परफॉर्मेंस, सेम लेवल डोमिनेशन, सेम लेवल किल्स भी वो लोग निकाल के जा रहे हैं, सेम एसजी का स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए यहां पर 8 पुश करेंगे, डेक्स सेल्स का रॉक्स ऊपर डाउन हो चुका है, यहां पर 8 विद दैट एके बट भाई के पास हेलमेट नहीं है, यानी भी मुश्किल पैदा हो सकता है, सेल्स को यहां पर क्लियर आउट कर देंगे, तो सिनर्जी वर्सेस टीएसएम यहां पर फाइट होने वाला लास्ट दो स्क्वाड का, बट वहां पर सेल्स के बंदे यहां पर हार नहीं मानना चाहते, बट एट लास्ट क्लियर आउट हो चुका है, सिनर्जी के पास आ चुका है 10 किल्स, टीएसएम एंटिटी के पास आ चुका है 13 किल्स, दो टीम का डोमिनेशन देखो कि मतलब 23 किल्स ही दो टीम ही लेके चले गए ऑलरेडी। यस बिल्कुल सही कहा स्पार्की भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो टीम्स आप अगर करंट फॉर्म की बात करो तो टीएसएम हैज एंटिटी की जो टीम है उन्होंने कभी अपना फॉर्म लूज ही नहीं किया, पर यहाँ पे सिल्वी ने पिक ऑफ किया जनाता को, एंड एसजी लास्ट दो महीने से जिस फॉर्म में स्पेशली पीएमपीएल स्टार्ट होने के बाद से, तो डेफिनेटली यू नो आप इनसे ऐसी रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली जब गेम्स इतने वन साइडेड जाते हैं। यहाँ पे एसजी वर्सेस टीएसएम की फाइट में फिर भी अपने टीम के लिए रश को लीड करते हुए, एंड पीछे से आई थिंक एसजी आए और चिकन डिनर ले गए, बट ग्रेट फाइट बाय बोथ द टीम्स, एसजी एंड एनटीटी, एसजी कमिंग अप विद 13 किल्स, टीएसएम कमिंग अप विद 13 किल्स एज वेल, एंड उसके बाद सेल्स थर्ड आते हुए विद 8 किल्स, 7S फोर्थ आते हुए विद 2 किल्स, एंड एमवाईएम विद 10 किल्स, एंड अदर टीम्स टू फॉलो।
एंड यहाँ पे फ्लाइट पाथ जा रही है लॉस्ट साउथ से लेके नॉर्थ तक, काफी बैलेंस फ्लाइट पाथ है। एल्फोजो वैले डेल मार के आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द मैप कवर हो सकते हैं, तो देखते हैं कौन सी टीम्स कहाँ पे ड्रॉप लेते हैं। इंटरेस्टिंग फ्लाइट पाथ है मेरा, में हमें इतना बैलेंस फ्लाइट पाथ गेम के लिए जो इस पर्टिकुलर मैच है उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। बट यस, यहाँ पे सोल की टीम बहुत सक्सेसफुली एस्केप कर गई, ऊपर सेल्स की टीम है सोल के आगे। यहाँ पे आई थिंक फ्लैश बैंग हाथ में, पर रेगल्टस यहाँ पे उजी, एंड सामने सेल्स के दो प्लेयर है। रेगल्टस कॉन्विक्स का सिचुएशन, आतंकी को पिकअप करने की कोशिश एंड काफी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा। लेवल वन का इनके पास हेलमेट था, वाइपर यहाँ पे रॉक से पिक ऑफ होते हुए एंड सेल्स की टीम के लिए इजी थ्री किल्स आते हुए। यहाँ पर मॉर्टल को देखना पड़ेगा। मॉर्टल यहाँ पर क्या अपने टीममेट को बचाने जाता है, उसको 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 पता है कि इस पोजीशन से बहुत ज्यादा फंस चुका है, क्योंकि अर्ली पे वो लोग फंस चुके थे, व्हीकल्स वगैरह नहीं है, एंड जहाँ पर रिट्रीट कर रहे थे वहाँ पर भी एक स्क्वाड था, एंड उन लोगों ने रिगल्टॉस एंड उसके टीम के वाइपर को भी खत्म कर देगा। इजी दो किल मिल जाएगा, बट मॉर्टल यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। पीछे सेवन सीज को देखोगे अभी भी पिकाडो पे है। सबसे पहले टीम जो यहाँ पर पिकाडो से निकले थे दैट वॉज लेक्सटर्म, एंड लेक्सटर्म निकलने के कारण सोल के लिए एक एंगल बना था निकलने का, बट व्हीकल वगैरह नहीं मिले थे, एंड वही मीरामार में बिना व्हीकल रोटेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सॉरी, पूरी स्क्वाड है। फ्रॉस्ट ने वहाँ पे एलएस के गमला बॉय को नॉक किया, बियर्ड नेम, एंड आतंकी यहाँ पे इस जोन के बाहर होल्ड करेंगे। आई थिंक सेल्स का बैकअप कर जाना था, एक किल के लिए लालची होना मेड नो सेंस। वहाँ पे एश गेमर को मॉर्टल पक करके रखे हैं, पिक एकदम करके रखे हैं। यस बहुत ज्यादा डैमेज दिया था, बट आज के मैं बच सकते हैं। टीएसएम एनटीटी वर्सेस वो फाइट भी वहां पर शुरू हो चुके हैं। थोड़ा मिड रेंज फाइटर जोन देखोगे तो तक भाई तो अच्छा खासा शिफ्ट लिया है एट लास्ट, एंड जोन के अंदर यहां पर टीम एट बीट है, ब्रॉलर्स है, फिर टीम बेसिक ब्रॉलर्स एंड ओआर है। टीएसएम एनटीटी एच पे, टीएसएम एनटीटी दो बंदे यहाँ पर स्लैमिंग मतलब क्लोजिंग करते हुए पावर हाउस के ऊपर, एंड ये मुश्किल हो सकता है। पावर हाउस जैसे स्क्वाड जहां पर डार्क जैसे बंदा है वो भाई हैंडल कर सकता है, बहुत ही ओपी बंदा है। यहाँ पर आइकॉनिक को देखोगे कुछ फर्स्ट एड वगैरह नहीं है, एंड ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। डार्क वहां पर नॉकआउट है, डार्क को यहां पर रिवाइव दिया जा रहा है जेब्रा के द्वारा, एंड आदित्य ने वहां पर हेडशॉट खा चुका है मेगा मार्कस गेम के शैडो की तरफ से। क्योंकि सेल्स की टीम जोन के बाहर विदाउट व्हीकल, आई थिंक सेल्स की टीम यहाँ पे इनवाइल एमवाईएम वर्सेस 8 बिट, और यस एमवाईएम वर्सेस 8 बिट की फाइट चल रही है, एंड 8 बिट के चारों प्लेयर स्कोर भी का सिचुएशन है। देखते हैं कि वहां पे मिनवे सेल्स के सेवन एस मनु को नॉक किया, डकी को भी नॉक किया, सेवन एस रिशियस वहां पे सेल्स के रॉक को पिक ऑफ करते हुए, यश के यहाँ पे एमआई मिलिट का अंदा पुचाते हुए, एंड यश यहाँ पे दो नॉक लेते हैं, 1 HP बचे हैं जो बहुत टाइम से चल रहा था, जिक्शो अपने टीममेट को रिवाइव दे रहे, बट सेल्स के आतंक जो उनके बाहर है वो व्हीकल एक्सप्लोड कर देना चाहेंगे, व्हीकल एक्सप्लोड हो जाएंगे तो सेवन सीज एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड वही यहाँ पर हुआ। दो किल्स के साथ सेवन सीज एलिमिनेट हो चुके हैं, एंड वहां से पीछे से वो लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पर टीम तमिलियस को देखोगे वो लोग रोटेशन दे रहे हैं टीम INDI के पास से, एंड राइट पे टीम लेक्सटर्म भी है, एंड टीम तमिलियस के सिर्फ दो ही बंदे बचे हैं मैंटी ओपी एंड स्ट्राइकर। वो लोग जोन के अंदर जा पाएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा। 15 स्क्वाड स्टिल रिमेनिंग, 22 मिनट गेम के अंदर आ चुके हैं, बहुत ही स्लो गेम चला था, बट अभी वो स्लो और नहीं चलेगा, अभी अच्छा खासा फाइट आप लोगों को बैक टू बैक हर एक जगह पर देखने को मिलेगा। नॉकआउट होते हैं INDI में क्लोजिंग फाइट देते हुए लेक्सटर्म के साथ, इग्नाइट एंड कमला वर्ग ऊपर नॉकआउट करते हुए अकेला बंदा बचा दैट इज गोट टू बट गोट पर क्लियर आउट हो सकते हैं बहुत जल्दी, एंड लेक्सटर्म यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। बट स्नैक्स को पीछे से एक और स्क्वाड ने डैमेज दिया दैट वाज 8 बीट 8 बीट। इस मैच में बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं, यहां पर ब्रॉलर्स के स्क्वाड के ऊपर पुश किया जाएगा कि नहीं ड्यू टू अनमैचेस वो देखना पड़ेगा। पीछे ओआर का स्क्वाड है, ओआर से एंटो वीरू और प्रधान दलजीत खेल रहे, मवी का मिसिंग है, IGL का मिसिंग यहाँ पर हो सकता है। आपको क्या लगता है यहाँ पर IGL कौन करने वहाँ पर? INDI के साथ भी फाइट शुरू हो चुका है, TSM NTT का ट्रांसकोपी यहाँ पर नॉकआउट करते हुए सिनर्जी के सिर्वी के तरफ से क्रेटोस ने वहाँ पर APIS को फाइट नॉकआउट कर चुका है। तीन चारों साइड पे एक साथ फाइट हो रहे हैं, हर एक साइड पे फाइट हो रहे हैं, एक स्क्वाड किसी एक स्क्वाड के साथ फाइट नहीं ले रहे, दो तीन स्क्वाड के साथ फाइट ले रहे। यहाँ पे मीनवाइल TSM आ गई है थर्ड फाइट करने के लिए, एंड प्ले जोन से वहाँ पे यश कंफर्म होते हुए, सेवन ने वापस प्लेयर को पिकअप किया है INDI के क्रेटोस अंदर आने की कोशिश, सेवन ने वापस स्नैक्स को कंफर्म किया अपने लिक्विड निकालते हुए, सेवन ने वापस प्लेयर को भी कंफर्म किया, एंड वहाँ पे एजी ने शैडो को पिकअप किया। 8 बिट डेफिनेटली फिनिश ऑफ हो जाएगी बिकॉज उन लोग जोन के बाहर से अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रॉलर्स अगर किल फीड रीड कर रहे हैं तो अभी उन लोगों का परफेक्ट टाइम है पुश करने का। डू डबल लीड आउट हो चुका है, नियो किल वहाँ पर मिल चुका है, वहाँ पर शोमिल रिवाइव हो चुका है, मैं क्लोक गिर के नॉकआउट हो चुका है। इस पोजिशन से ब्रॉलर्स के पास एक चांस है, बट आई डोंट थिंक ये सफिशियंट चांस होगा। पर मैच के ऊपर पुश किया जा रहा है, मैच यहाँ पर 1v2 9, मैच के इसको यहाँ पर क्लियर आउट कर दिया गया है बाय ब्रॉलर्स के वर्ड के द्वारा। वीडियो में बहुत डैमेज खा चुका है, बीएसजी क्रॉलर्स के पास एक चांस है,
वेट थोड़ा देर में वर्कआउट टेस्ट में था, चैन वही ऊपर उठाई वो दो नॉक, एक नॉक फिनिश किया, एक और नॉक पिक ऑफ किया दलजीत का, यहाँ पर एक और बंदा बचा हुआ था स्टैटस बता ना, आई डोंट थिंक ही कैन सर्वाइव, एंड वही यहाँ पर वर्क स्क्वाड का खत्म हो चुका है। फिफ्थ पोजीशन पे थोड़ा बहुत लूट करेंगे, यहाँ पर हिल बैटल करने की कोशिश कर सकते हैं, इस पोजीशन में जोन के अंदर चले जाएंगे तो सर्वाइव कर सकते हैं। सिनर्जी का स्क्वाड का एक बंदा नॉकआउट हो चुका है, सिनर्जी से सिर्फ स्ट्राइडर बचे हैं, ये स्ट्राइडर भाई दो किट के साथ है बट डजेंट मैटर, टॉप फोर पे अपने टीम को लेकर आ चुका है, टॉप फोर मतलब एक पॉइंट से पर सिंचर कर चुका है, घातक है वो पर खाते हैं नॉकआउट करते हैं, घातक है पर डैमेज चलते हुए बट सीजी को भी यहाँ पर डैमेज पड़ा है, बट दोनों में ज्यादा डैमेज लेते नहीं हुए बट दोनों में से वहाँ पर डैमेज कर वो का है पर डीओ को नंबर कर देगा, यहाँ पर राइट से आते हैं घातक, घातक है पर एक नॉक आप भी बंदा है इवो, इवो यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। टीएसएम एनटीटी से जोनाथन को देखोगा लिटरली 8 HP के बचे हैं, अभी भी ब्रॉलर्स पुश नहीं कर रहे हैं, 3 मैन एडवांटेज के बाद भी ये लोग पुश नहीं कर रहे, पुश कर देना चाहिए, मूवमेंट दिया जा रहा है स्ट्राइडर के सामने, यहाँ पर आएगा स्ट्राइडर आदित्य को यहाँ पर नंबर करते हुए आदित्य को इंस्टेंट गेम के बाहर में निकाल देगा, स्ट्राइडर के पास एक किल आ चुका है। जैसे मैंने बोला था सिनर्जी का स्क्वाड आई डोंट थिंक की फोर्थ पे एलिमेंट होगा, थर्ड या तो सेकंड पे जा सकते हैं, जोन आते हुए जोन क्लोजिंग होते हुए यहाँ पर शोमिल टीम के लिए और ज्यादा खतरा होगा, उन लोगों ने किल फिनो पर रीड नहीं किया, यहाँ पर स्ट्राइडर एक कॉर्नर ऑफ कर लेंगे, लास्ट बंदा बचा है वापस स्ट्राइडर ने नियो को भी नॉकआउट कर उसे, क्या ही गलत लेवल गेम प्ले पर दिखा रहे स्ट्राइडर पर मूवमेंट देते हैं, जोनाथन के हाथ में जोनाथन को नॉक पिक अप कर दिया, लास्ट बंदे का तक था तक को नॉक नहीं कर पाया, बट यहां पर ब्रॉलर्स के फ्रोस्ट बैट को पर रिट्रीट करना चाहिए, बट वो फाइट लेने के लिए नहीं जा रहे, वो पीछे जा रहे हैं, यहां पर टाइम दे रहे टीएसएम एंटिटी को अपने टीममेट को रिवाइव देने के, एंड यहां पर टीएसएम एंटिटी चिकन डिनर इजी पीजी ले जाएगा अगर ये रिवाइव हो जाता है जोनाथन, यू नो ये जो ब्रॉलर्स का स्ट्रेटजी था बहुत ही बहुत वियर्ड स्ट्रेटजी इन्होंने यूज किया, अभी तीनों बंदे चढ़ेंगे यहां पर बैट, अगर एक बंदे को भी नॉकआउट कर सकते हैं बट नहीं कर पाएंगे, टीएसएम एंटिटी कमिंग अप द चिकन इन द फर्स्ट मैच सेकंड के विद 13 किल्स इस मैच में, लास्ट मैच ऑफ डे वन है एंड ये दैट इज विकेंडी, एंड विकेंडी बर्फीला मैदान पे चलेगा, एंड क्या क्या लगता है थक भाई, सेंटर जोन होगा या कोई कॉर्नर पे जोन होगा? आई थिंक वाटर वो आपके नॉर्थ वेस्ट पे जोन बनना है, ये पोर्ट किचा साइड की तरफ से पानी की तरफ जोन मेरा यही मानना है, फिर वो लोग पुश करके बट अगर पीएच का बंदा नीचे से नॉकआउट हो जाता है बाय वीएससी क्रॉलर्स पुश, जो बंदे पीछे से आ रहे हैं ऊपर सोल करेंगे, टॉस ने सेवन का जिक्शा को नॉक किया है, सेवन को नॉकआउट करते हैं, अभी आया एक को नॉक दो को नॉक स्विच करेंगे बट उससे पहले वो भी नॉकआउट हो चुका है, रोज के ऊपर अभी पूरा ऊपर रहेगा नहीं तो यहाँ पर सेवन उसको क्लियर आउट कर सकते हैं, यहाँ पर सेवन के ऊपर चलेंगे, सेवन नहीं जेबरा है भाई देव माई बैट, एंड यहाँ पर पावर हाउस का जेबरा अकेले बंदे खड़े हैं अपने टीम से, एंड 1v3 का सिचुएशन है, आई डोंट थिंक ही पावर हाउस बचने वाला, बट यहाँ पर जेबरा ने ऑलमोस्ट नॉक जो किया था इनकी फाइव के साथ बट वो भी यहाँ पर क्लियर आउट हो जाएंगे, सोल के ऊपर जल्दी चलेंगे, लेकिन टॉस यहाँ पर नॉक है उसको बचाने की कोशिश किया जाएगा, पावर हाउस बहुत अर्ली एलिमिनेट हो चुके हैं इस गेम से, पास व्हीकल होता तो यहाँ पर रिगल टॉस भी बच सकते थे, सेवन सिक्स के ऊपर भी और ज्यादा खतरा आ सकता था क्योंकि वहां पर दो साइड से लोग पिन डाउन करके रख सकते थे, बट अमन को अगर देखोगे वो मॉडल के पीछे के साइड से आ रहे हैं तो वो रिगल्टा उसके लिए कुछ हेल्प नहीं है, रिगल्टा उसमें ब्लीड आउट हो जाएंगे, वीसीएस ने एक प्लान किया, वाइपर को स्प्रे डाउन ट्रांसफर किया जा रहा है, वाइपर को फर्स्ट एड वगैरह नहीं है, बैंडेज पिकअप कर रहे हैं, अगर वीसीएस यहाँ पर नॉकआउट कर देते वाइपर के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा सोल के लिए, सोल मॉडल जिक्शॉ के द्वारा इंफो टैप से नॉकआउट होता है, वीसीएस के ऊपर टैप देते हैं बहुत ही प्यारा नॉक पिकअप करते हैं वाइपर, बट वाइपर के ऊपर भी पूछ जाएगा 1v2 पूछा है, ये मुश्किल हो सकता है, एक बंदा मधु को बहुत ही कम किया बट मनु के पास ये उसी था उसके कारण भी बहुत डैमेज खाया, बट यहाँ पर वाइपर अकेले बंदे हैं एंड वो भी यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे, अमन बहुत ही ज्यादा पीछे है, अगर अमन यहाँ पर पहले आ जाते तो यहाँ पर सोल शायद ये फाइट क्लियर आउट कर सकते, शायद नहीं 100% कर सकते थे, या पर आई गेस यहाँ पे ये नया ड्रॉप देखा हूँ मैं सोल के लिए, डायनो टाइम लगना काफी लेजिट था, वहाँ पे इवोक ने वाइपर को भी कंफर्म किया, एंड यू नो आई गेस यहाँ पे सोल के इवोक पे शॉट लेने की कोशिश बट इट्स नॉट गोना वर्क, डैमेज भी थोड़ा बहुत ज्यादा है, एंड यहाँ पर पूरा स्मोक करके ब्लाइंड करके 7-6 के ऊपर यहाँ पर पुश किया जा रहा है, एंड 7-6 के लिए यहाँ पर खतरा होगा, यहाँ पर इवोक है, इवोक पर उसको थोड़ा डैमेज दिया, उसने यहाँ पर इवोक को नॉक करेगा, उसने यहाँ पर प्रोनिंग करते हुए बच गया मनु के स्प्रे की तरफ से, मनु यहाँ पर उसके साथ है, मनु को पता है मनु बहुत ही प्यारा उदी चला था, बदक्षु बोला हम भी कुछ कम नहीं है, पर एक और बंदा दीक्षा ब्लीड आउट हो चुका, प्लेस को हील अप करना चाहिए, उनको कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए यहाँ पे, उनके पास इनफ टाइम है उनको हील करना चाहिए, जयरो को यहाँ पे पुश करेंगे 8-bit के प्लेस, जयरो काफी हेल्थ है पर यहाँ पे विशेष फुल एचपी पे हो जाएंगे, एंड आई थिंक अक्षु यहाँ पे गुस्से में विशियस को पिकअप करेंगे, बट यस चलो फाइनली यहाँ पे 7S के सारे प्लेयर्स कंफर्म होते हुए डेफिनेटली बिकॉज उनको फुटस्टेप्स आ गया होगा, एंड यस यहाँ पे पर यहाँ पे इनके पास फ्रॉस्ट आई थिंक यहाँ पे पीछे से भी पड़ सकती है, बस वीरू को नॉक करने की कोशिश
से काफी ओपन में आ गए थे, पर आई थिंक अब फ्रॉस्ट को पीछे शॉट्स पड़ेंगे एंड यहाँ पे ओआर के वीरू रिवाइव हो जाएंगे एंटो और बेलजिक पुश करते हुए एंड आई थिंक डिफिकल्ट सिचुएशन है एलिमेंट्स की टीम। यहाँ पर अगर चलेंगे दलजीत यहाँ पर उतर नहीं फोर यहाँ पर फोर देखिए अगर खोल लेते तो इस पोजीशन में आई थिंक नॉक कर सकते हैं। एंड पे एक लोटस मोली क्या वो लोटस मोली कनेक्ट हुआ थी वो देखना पड़ेगा। एंड अब यहाँ पर लेफ्ट साइड से दलजीत फुल ऑन पीट करके रखे वो वीडू ने नॉक कर है दलजीत यहाँ पर फ्लैंक की कोशिश कर दलजीत को बस पड़े आते हैं फ्रोज की तरफ से एंड यहाँ पर उसको भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़े। वहाँ पर दूसरी साइड पर मार्कोस गेमिंग ने एल एस गमला हुआ नॉक एंड उसके साथ स्पिन खेल वर्क एंटो का वो लोटस मोली जो था वहाँ पर नॉकआउट करते हैं। पीछे से सिनर्जी के सिरवी ने एलिमेंट के फ्रोज को ऐसे लार के शॉट से नॉकआउट करते हैं। यहाँ पर एलिमेंट का स्क्वाड हो जाएगा मिनट वार को पास आ चुका है, 3 किल सिनर्जी के पास आ चुका है, 2 किल चलेंगे यहां पर मार्कोस गेमिंग के फिट पर तो उनको पता होगा कि वहां से रोटेशन चल रही है। यहां पे मीनवेल आईएनडी के स्लेयर ने पीक लिया और पीक लेते पट से सेल्स के एमजे का शॉट खाया और नीचे गिर गया पे स्नैक्स को स्मोक करके 8 मिनट 2 बंदे जाइडो गॉट वहां पर ब्लीड आउट हो चुका है। अक्षु वहां पर लिटरल फ्रीकिंग 1 एचपी के साथ है उसको फर्स्ट एड लगाने का टाइम नहीं दिया जा रहा है एंड अक्षु भी यहां पर नॉकआउट हो जाएगा। उसको होल्ड कर लेना चाहिए था बट उसका होल्ड करने का एंगल ही नहीं था। यहां पर टीम 8 बीट से सिर्फ अकेले बंदे बचे दैट इज 7 पीछे से एक और स्क्वाड अभी आ सकते हैं कभी भी पुश करना दैट इज टीम तमिलियसन। आई थिंक टीम तमिलियसन वहां पर हाई डीज लेना चाहेंगे। यहां पर 7 एक नॉक उपयोग कर सकते हैं ड्यूस के ऊपर टैप कनेक्ट किया बट वो टैप कनेक्ट नहीं हुआ बट आई थिंक 7 यहाँ पे किसी को भी बचा नहीं पाएगा। द बेस्ट ही कैन डू इज वेट पर आई थिंक यहाँ पे थर्ड पार्टी हो रही है बीएलटी गिव 7 अ चांस कि अगर वो कोशिश करे कि अक्षय को रिवाइव कर ले पर पीछे से रेवन टीटी के स्ट्राइकर ने एक बहुत ही प्यारा हेडशॉट कनेक्ट किया और 7 को कंप्लीटली कंफर्म किया 8 बिट लेट्स सी। एंड मीनवाइल यहाँ पे एमजीजेड के शेडो अखिल अपनी टीम के लिए बचते हुए वहां पे नियो ने वीरू को नॉक या ब्रॉल आदित्य ब्रॉलर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हैं फॉर अ चेंज एंड उन्होंने शायद पिकअप किया सेल्स के प्लेयर को दैट वाज एमजे क्रेटोस वहाँ पे आते हुए आतंकी को पिकअप करते हुए एंड एश गेमर को भी नॉक करते हुए क्रेटोस लीडिंग द चार्ज फॉर हिज टीम एंड यहाँ पे कम्प्लीटली सेल्स के पूरे टीम को वाइप आउट करते हुए वहां पर मार्कोस गेमिंग का स्क्वाड भी एलिमेंट हो चुका है। यहाँ पर फेसी क्रॉलर्स ने एक नॉक पिकअप किया एंड यहाँ पर वो लोग पुश करेंगे ब्रॉलर्स से आदित्य ने और मार्कोस गेमिंग का किल निकाला है। ब्रॉलर्स के ऊपर तीनों बंदे बचे एक बंदे बचे नहीं तीनों के चारों बंदे बचे 2 किल है इस मैच पे एंड अभी देखना पड़ेगा जोन पे अंदर है अच्छे खासे पोजिशन के अंदर है क्या ये लोग फाइट लेंगे। वहां पर के 2 प्लेयर्स नॉक है यहाँ पर टीम ओ आर अच्छा खासा पोजिशन पे 5 किल के साथ है जैसे आपने बोला एंड और ज्यादा अच्छा पोजिशन है वीरू एंड एंडो के पास है एंड वो लोग आईएनडी की टीम को रोक सकते हैं टीम तमिल ब्रॉलर्स को रोक सकते हैं आईएनडी अपने पैरों पर खड़े चारों का चारों बंदे एक बंदा नॉक था उसको भी रिवाइव मिल जाएगा वो भी यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर एंटर पर क्लोजिंग करते हुए एक बंदे को नॉक एंड फिनिश करते हुए ब्रॉलर्स के शोमिल अपने टीम से लास्ट बंदा है वहां पर सामने एंड यहाँ पे अगर अब हम वार के 3 टीम्स 11 प्लेयर अलाइव एंड आई गेस यहाँ पे वार इज गोइंग फॉर द चिकन डिनर बीएसजी स्टे अलाइव लाइक मैंने आपको बोला था बीएसजी डिफिकल्ट सिचुएशन पे थे बट आई वाज स्टिल काउंटिंग ऑन बीएसजी बट अब जो जोन बना है इसमें बीएसजी को क्रॉस करने बहुत दिक्कत होगा दोनों तरफ दो टीम्स एंड ओआर स्पेशली ओआर तो पूरा बीएसजी को पिन करके रख सकती है एक तरफ से वो नॉकआउट भी हो सकते हैं यहाँ पर वो अगर नॉक हो गया बट वो क्लियर भी हो सकते हैं बट एंटो ने रिस्क लिया एक किल निकाला एंड एक और नॉक यहाँ पर पिकअप कर सकते हैं ऑलमोस्ट नॉक पिकअप कर दिया था दलजीत ने वो का नॉक यहाँ पर क्लियर कर दिया कैरी यहाँ पर डाउन है एंड वही मैंने जैसे बोला एंटो नीचे आने का टाइम पे नॉकआउट हो गया एंड बच गया यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा कि बट अगर ऊपर नॉक होता वो तो और ज्यादा मुश्किल हो सकता था बट मेंटी यहाँ पर सामने प्रधान को नॉक करने के बाद एंटो वहाँ पर नॉक है अभी वो मॉली करते हैं वो मॉली कनेक्ट नहीं हुआ है शायद दलजीत वहाँ पर है वीडू बचे से ओआर से 2 बंदे बचे 3 तमिलियस से भी यहाँ पर बचे मेंटी ओपी अकेले बंदे क्या मेंटी यहाँ पर क्लच कर पाएगा ओआर के ऊपर वो हम लोग को थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा कुछ था बट नहीं ओवर के दलजीत वहाँ पे कवर दे रहे थे। वी आर डाउन टू लास्ट 2 टीम्स ऑब्वियसली इट्स अ 4v1 सिचुएशन ओवर के प्लेयर्स वुड बाउंस लाइक हंग्री वुल्व्स ऑन बीएसजी क्रॉल सीजी वहाँ पे लेकिन वीरू को सीजी डेफिनेटली पिकअप करेंगे एंड वहाँ पे कंफर्म भी करना चाहेंगे बट नहीं स्प्रे मिस किए एंड इट डिड नॉट कनेक्ट एंड ओवर कमिंग अप विद एन अमेजिंग सेकंड डिनर अच्छे खासे किल के साथ अगर देखोगे तो 16 किल्स सेकंड डिनर लेके गए ओआर का स्क्वाड तो एटलस कमबैक किया बहुत ही हार्ड कमबैक किया है ओआर का स्क्वाड से टीम वीएसजी क्रॉलर्स का भी अच्छा गेम निकला है उन लोगों के पास 9 किल्स था सेकंड पोजीशन। टीम तमिलियस थर्ड पे गए विथ 5 किल्स ब्रॉलर्स फोर्थ पे गए विथ 3 किल्स मैहम फिफ्थ पे गए विथ 1 आईएनडी 6 पे गए विथ 5 किल्स लेक्सटर्म 7 पे गए विथ 1 किल वहाँ पर टीएसएम एनटीडी 8 पे गए विथ 2 वेलोसिटी 9 पे गए विथ 3 मार्कोस गेमिंग 10 पे गए विथ 3 सेल्स वहाँ पर 11 पे गए विथ 4 8 बिट 12 पे गए
विथ 4, सिनर्जी 13 पे गए विथ 1, टीम एलिमेंट 14 पे गए विथ 0, 7सिस 15 पे गए विथ 3, सोल 16 पे गए विथ 0, पावर हाउस 17 पे गया 0। तो गाइस आज यहीं पर हम लोग का वेलोसिटी मेजर टूर्नामेंट खत्म होता है फर्स्ट डे। कल फिर से आप लोगों के साथ मिलेंगे, बट जो को भी आप लोग जुड़े हो लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगर आप लोगों को हम लोगों का क्वेश्चन अच्छा लगा है, हम लोगों को भी सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टा एंड वाइटिंग, वहाँ पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दो।